यू आर शूटिंग यू नो बैक टू बैक विद दिस फिल्म. मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे वरुण पाजी ने एबीसीडी टू के टाइम पे कहा था कि जब मैं बदलापुर एबीसीडी टू कर रहा था, फॉर मी कमिंग ऑन एबीसीडी टू सेट वॉज लाइक अ रिलीफ. मतलब मैं वो वहां से मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था. इज दैट अ सेम केस? मतलब एक तो यू आर डूइंग अ हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर साहो, देन यू आर डूइंग एन इमोशनल ड्रामा व्हिच हैज अ कॉमेडी एज वेल छिछोरे, बट कमिंग ऑन स्ट्रीट डांसर सेट एंड वर्किंग अगेन विद वरुण पाजी, वॉज देयर अ रिलीफ काइंड ऑफ यू? हाँ, कुछ रिलीफ जैसा, यू नो. You know, I think the best part, of course, to be back with Varun, and more than anything also is to be back with the whole ABCD2 gang and that family again. तो क्योंकि हमने इतना वक्त गुजारा था और एक दूसरे को इतने अच्छे इतनी अच्छी तरह से जान गए थे, तो जब आप वापस आ जाते हो और वो एनर्जी आ जाती है वापस, और कई कई न्यू मेम्बर्स भी हैं इस बारी, नोरा हैं एंड वी हैव मैनी मैनी अदर अमेजिंग डांसर्स, तो उनके साथ वापस आना और उनके उनसे इतना कुछ सीखना, आई थिंक कि यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. एंड सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज हमें इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल फ्रॉम ए बी सी डी टू, वी हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो सब ने बहुत मेहनत की. बहुत बीमार पड़ी भी है सेट पे, ये बोल रही नहीं है, बट 3 या 4 बार बहुत बीमार पड़ी है ये. शी वुड फॉल वेरी अनवेल बिकॉज हर स्केट वॉज क्रेजी. But actually, I think Remo sir and me are so thankful to Shraddha, क्योंकि ये जिस तरीके से फिल्म में आई है उसका एक अलग ही स्टोरी है. Remo. Yeah. Hi, towards your right.